आर्मी की ट्रेड्समैन लेवल की वैकेंसी आए हैं और उस वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जबलपुर की जो रिक्वायरमेंट सेंटर है आर्मी का, तो वहाँ पर आपका ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी आया है। इसके जो अप्लाई की प्रोसेस है वो ऑफलाइन प्रोसेस है और उसके साथ आपका जो वैकेंसी आया है वो ट्रेड्समैन लेवल की आया है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपका रिक्वायरमेंट आया है वो इंडियन आर्मी की तरफ से आया है और उसके साथ GRC जबलपुर मध्य प्रदेश की ही तरफ से ये वैकेंसी आया है। ये ग्रुप सी ही वैकेंसी है और ये ऑल इंडिया कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो ये आपका 14 पोस्ट ही है। का जो सैलरी रहने वाला है वो 19,900 से 63,200 ही आपका सैलरी रहने वाला है। जॉब लोकेशन बात करें तो ऑल इंडिया बेसिक ही जॉब लोकेशन है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप ऑफलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ इस पर आपका अप्लाईकेशन फीस आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है। और अप्लाई जो आप करेंगे तो मार्च 26 से ही आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो लास्ट डेट है वो आपका अप्रैल 26 ही उसका लास्ट डेट है। और उसके साथ उसका नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। जो वैकेंसी आया है उसका ये PDF है और इसके साथ इसके जो वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर दिया गया है और इसके साथ इसके जो एप्लीकेशन आपका है, जो एप्लीकेशन की फॉर्म भी इस पर पूरी की इन्फॉर्मेशन है। और उसके साथ ये जो एप्लीकेशन फॉर्म और इस PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो उस पर आपको क्लिक करके ज्वाइन होकर आपको इस PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं जिस पर आपके पूरी इन्फॉर्मेशन है और उसके साथ ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भी है। तो जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 26 उम्र की है आपका एज लिमिट रहती है और उसके साथ SC ST OBC कैटेगरी के लिए उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी मिलती है, वो तो उनके हिसाब से हम देखने वाले हैं। और उसके साथ जो वैकेंसी आया है वो कुक के 9 वैकेंसी आया है और उसके साथ टेलर की 1 वैकेंसी, बार्बर की 1 वैकेंसी, जो रेंज चौकीदार है उनका 1 वैकेंसी आया है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पर आपका कुक का 10th पास और आपको कुक की नॉलेज होना चाहिए। और जो टेलर पर फॉर्म भरे हैं उनके लिए वो IT IN टेलर के बता रहा है कि आपका उस ट्रेड की सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इस जो बार्बर है सिर्फ उनका 10th पास क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जो रेंज चौकीदार है उनका भी सिर्फ 10th पास ही क्वालिफिकेशन वो मांग रहे हैं। और उसके साथ हम जो बात करने वाले सफाई वाला की भी 2 वैकेंसी आया है, इस पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास ही है। इस पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपको पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होता है और उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट होने वाला है और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका फाइनली मेरिट लिस्ट ही आने वाला है। जो आपका जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो ऑफलाइन ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये जो फॉर्म है वो टेलीग्राम पर पोस्ट पर डाल दिया हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होकर उस PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म आप भेजेंगे तो इस एड्रेस पर ही भेजना है। अब जो फॉर्म भेजेंगे तो आप इस एड्रेस पर ही फॉर्म भेजने वाले हैं और इस पर फॉर्म के जो लिफाफा ऊपर ही एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप डाले हैं उसका नाम ही लिखना है और उसके बाद ही आपका सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको अटैच करके ही उस फॉर्म पर लगाना है। और उसके साथ इस पर आपको इस एड्रेस पर ही भेजना है, द कमांडेंट ऑफ ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर ऑफ जबलपुर 482001 पर ही आपको इस वाले एड्रेस पर ही भेजना है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बनाने के लिए।